जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल फ्री नॉलेज 1998 पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बरेली की भर्ती के बारे में। देखिए साथियों, एक अम्बाला की भर्ती आई थी, उस भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया है। मैंने उसके एक वीडियो आपको बनाकर दे दिया था कि वो भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया है करके, और उसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन था वो भी मैंने आपको दिखाया था। तो साथियों, अभी एक और न्यूज़ आ रही है कि बरेली की जो भर्तियाँ आपको होना था वो भर्ती भी अब नहीं होगी करके, ठीक है। साथियों, इस भर्ती के बारे में आप सभी लोग बहुत ही कमेंट कर रहे थे कि भाई बरेली की भर्ती होगी या नहीं होगी करके, या पोस्टपोन हो गई है करके। साथियों देखिए, बरेली की भर्ती के बारे में अभी कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के माध्यम से बताया गया है कि ये भर्ती नहीं होगी करके। क्योंकि साथियों, शायद वहाँ पर COVID-19 केसेस ज़्यादा होंगे, या फिर वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही केसेस ज़्यादा होने लगे होंगे करके इस भर्ती को पोस्टपोन करने की आशंका बताई जा रही है, ठीक है। तो इस भर्ती को भी मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि ये भर्ती भी पोस्टपोन हो सकती है करके, एक एम्प्लॉयमेंट के न्यूज़ के माध्यम से आपको बताया गया है। आप सभी युवाओं का ये कहना है साथियों कि भर्ती पोस्टपोन निकल तो रही है पर हो क्यों नहीं रही, सब पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। साथियों, वहाँ के हालात को देखकर ही वहाँ का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि यहाँ भर्ती हो सकती है नहीं हो सकती करके। और जब भर्ती होना होता है तो जब तक वहाँ पर COVID-19 केसेस बढ़ जाते हैं और भर्ती को वहाँ पोस्टपोन कर दिया जाता है। बट आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे COVID-19 केसेस कम हो रहे हैं, तो आपको जल्दी भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब इसकी जानकारी दे दूं कि बरेली भर्ती कैसे स्थगित हुई है। जैसा कि साथियों आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर दिया हुआ है कोरोना के चलते फतेहगढ़ में होने वाली सेना भर्ती स्थगित करके, ठीक है। कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में 7 जून से होने वाली अंतिम अग्रिम आदेशों को तक स्थगित कर दी गई है, ठीक है। भर्ती में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शहजापुर, संभल, बलरामपुर व बहराइच के अभ्यर्थी शामिल हुए थे, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दिया गया है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से करके। भारतीय सेना की औपचारिक वेबसाइट पर पंजीकृत ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थी को दी दी जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार नई तिथि जारी होने पर एडमिट कार्ड सिर्फ उन अभ्यर्थियों को जारी किया जाएगा जिनका पंजीकरण पहले हो चुका होगा। सेना भर्ती में बरेली के करीब 15,000 से अधिक अभ्यर्थी व अन्य 12 जिलों के करीब 90,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार होने के बाद सेना की ओर से इस भर्ती के लिए नई तिथि की पुनः घोषणा की जाएगी। साथियों, यहाँ पर क्या बोल रहा है आप ध्यान से सुनिएगा कि सेना भर्ती कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार नई तिथि जारी होने पर एडमिट कार्ड उन अभ्यर्थी को जारी किए जाएंगे जिसका पंजीकरण पहले हो चुका है। चाहे तो जिसने पंजीकरण करा लिया है तो उसको ही इसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, और वो भी साथियों आपको आपके ईमेल पर ही किया जाएगा। ईमेल या फिर आपको जिसके माध्यम से आपने एडमिट कार्ड में दिया होगा, फॉर्म अप्लाई किया होगा, उसके माध्यम से आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो साथियों, ये आप बोल रहा है कि इसकी जो नई डेट आएगी वो आपको जल्दी बता दी जाएगी कि पुनः पुनः घोषणा की जाएगी करके बता रहा है। तो आपको पता चल जाएगा, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसकी नई डेट जारी हो गई है करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसके माध्यम से बताया गया है कि आपकी जो भर्ती है वो पोस्टपोन हो गई है करके। यहाँ पर और दिया हुआ है राजपूत रेजिमेंट सेंटर में 7 जून से 30 जून तक होनी थी भर्ती, ठीक है। बरेली समेत 12 जिलों के 90,000 अभ्यर्थियों ने कराया था पंजीकरण। जिन जिन ने पंजीकरण कराया है, आप साथियों दुखी ना हो, क्योंकि आपका जो पंजीकरण खाली नहीं जाएगा, मतलब आपको फिर से पंजीकरण नहीं कराना है। यदि जैसी न्यू डेट आएगी तो आपको वही पुराने पंजीकरण को संभाल कर रखना है, वही आपको काम आ सकता है आगे जब ये भर्ती को पुनः लाया जाएगा, ठीक है। आप डरिए ना कि हमको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आएगा, यदि रजिस्ट्रेशन करवाने को बोलेगा तो आप करवाइएगा, नहीं बोलेगा तो नहीं करवाएगा, आपको पुराना रजिस्ट्रेशन ही काम में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसने बोला है कि जल्दी, अब अभी आपको तो मुझे तो लगता है ये पोस्टपोन ही हो गई है करके, ठीक है, नहीं होना है ये भर्ती। जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे ही अपलोड होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया तो ये पोस्टपोन हो ही गई है, ठीक है। जैसे ही कोई न्यू डेट आती है तो मैं आपको इसके बारे में वीडियो बनाकर दे दूंगा कि आपकी जो भर्ती थी फतेहगढ़ में वो फिर से इसकी न्यू डेट आ गई है करके। तो आप निराश ना होइए, क्योंकि भर्ती पोस्टपोन हुई है, आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो आपका फॉर्म है उसको आप संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आई होप साथियों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसे ही आर्मी की न्यूज़ आपको देखने को मिल सके। साथियों यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो, आपको जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तैयारियाँ जारी रखिए। साथियों आपको बहुत ही जल्द वैकेंसी देखने को मिलने वाली है इंडियन आर्मी में, क्योंकि अब बहुत सी जगह पर ऐसा है कि COVID-19 का जो लॉकडाउन चल रहा था वो अब धीरे धीरे खुल रहा है। तो आपको जिन जिन राज्यों में जिन जिन जिलों में ये लॉकडाउन खुल रहा है तो उन सभी को फिर से भर्ती देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तैयारियां जारी रखिए अपनी। जय हिंद, जय भारत।